Hi friends, friend, thank you so much for watching this video. आज हम आपके सामने एक ऐसा रहस्य उजागर करेंगे जो ह्यूमैनिटी की जितनी भी डिजीजेज हैं या जितनी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उन सब का अंडरलाइंग रीजन है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए अगर आपको ये जानना है कि बीमारियों का मेन मूल कारण क्या है, सीक्रेट क्या है उसके पीछे, व्हाई देयर इज अ डिजीज, व्हाई देयर इज अ साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, व्हाई देयर इज अ मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग। सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इस तरह के वीडियोज मैं आपके सामने लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि एज ए ह्यूमन बॉडी वी आर मेड अप ऑफ सेल्स, हम कोशिकाओं से बने हुए हैं। एंड अभी मेडिकल साइंस या बायोलॉजी ये कहती है कि अबाउट 60 trillion सेल्स आर देयर इन अवर बॉडी और हर एक सेल जो है इट डज लैक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, लगभग 1 lakh केमिकल रिएक्शन एक हर एक कोशिका में होते हैं, हर एक सेल में होते हैं। एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ अ सेल इज टू जनरेट अबाउट 1,40,000 प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन क्यों जरूरी है? दिस इज फॉर द मेंटेनेंस, रिपेयर, सस्टेनेंस ऑफ अवर बॉडी। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो डिजीजेस होती हैं, जो हमारी मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम होते हैं, उसका अंडरलाइंग रीजन क्या है। उस सीक्रेट को हम आज जो है अनअर्थ करेंगे, वील ट्राई टू अनअर्थ दैट सीक्रेट। फ्रेंड्स, वी एज ए ह्यूमन बॉडी हैव 5 senses, 5 senses है हमारी। वन इज ऑडिटरी, सुनने वाली सेंस, विजुअल जो हम देखते हैं, काइनेस्थेटिक यानी कि जो हम फील करते हैं, मतलब स्किन के थ्रू, स्किन के माध्यम से। देन देर इज गस्टेटरी जो हम टेस्ट करते हैं, एंड देन ऑलफैक्टरी दैट मीन्स जो स्मेल करते हैं, फ्रेग्रेंस। तो थ्रू दीज 5 senses वी आर इंटरेक्टिंग विद आवर ओन बॉडी एज वेल एज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब दिन भर में या थ्रू आउट अवर लाइफ वी आर गेटिंग वेरी स्टिमुलाई, बहुत सारे ट्रिगर्स हमको मिलते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑल थ्रू दीज सेंसेस। उससे एक थॉट जनरेट होता है, दैट थॉट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ डेंजर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ पेन, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेजर, जो भी है। तो वो थॉट हमारे पास कॉन्स्टेंटली इट इज बम्बार्डिंग अस। तो लेट अस टेक वन थॉट, सपोज अ थॉट इज जनरेटेड, मतलब लेट अस से इट इज सम नेगेटिव थॉट्स। दिस थॉट फर्स्ट ऑफ ऑल गोज टू अवर ब्रेन। नाउ ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रेन जो है इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 billion न्यूरॉन्स। ब्रेन्स के अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। ओके, दीज न्यूरॉन्स, इनका काम ये है कि जो इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रोसेस करना। एज अ थॉट कम्स दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इट गोज टू द न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन के पास गया, इट हैज टेकन दैट इंफॉर्मेशन कि थॉट इज लेट अस से नेगेटिव और इट विल बी पॉजिटिव। सो नो दैट थॉट थ्रू अनदर इलेक्ट्रोकेमिकल इज कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर, इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स। हाँ, न्यूरॉन्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब एंटीनाज होते हैं, दैट मीन्स इट ट्रांसमिट्स एज वेल एज रिसीव्स आल्सो। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफर कर सकता थ्रू अ मैसेंजर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। एंड इट इज सेड दैट विद इन अ स्प्लिट ऑफ ए सेकेंड, विद इन मिली सेकेंड्स, 1/1000 ऑफ ए सेकेंड, द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन परसीव्ड बाई योर सेंसेस आर some thought, it immediately transfers to the whole brain, whole neurons in a split second.
नो दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन नो गोज टू अवर मास्टर ग्लैंड इज कॉल्ड हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस के पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई, नो दिस इन टर्न गिव दिस इन्फॉर्मेशंस टू इट्स एसोसिएट कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज इन द क्राउन चक्रा। पिट्यूटरी ग्लैंड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इट जनरेट्स इट क्रिएट्स न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, ये भी प्रोटीन है और ये जनरेट होता है। अगर पॉजिटिव थाट है, अच्छा थाट है, तो अच्छे न्यूरोपेप्टाइड जनरेट होंगे। अगर नेगेटिव थाट है तो अकॉर्डिंगली दैट सॉर्ट ऑफ न्यूरोपेप्टाइड इज जनरेटेड। अब अगला स्टेप ये है कि आफ्टर दिस न्यूरोपेप्टाइड्स दे इट इज सेंड टू द एंडोक्रीन सिस्टम। एज यू ऑल ऑफ नो एंडोक्रीन सिस्टम इज बेसिकली ग्लैंड्स, वेरियस ग्लैंड्स कलेक्टिवली इज कॉल्ड एंडोक्रीन सिस्टम। नो एज दिस न्यूरोपेप्टाइड बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज रिसीव्ड व्हेन इट गोज टू अवर ग्लैंड्स इट जनरेट्स हार्मोन्स। ये हार्मोन जनरेट करता है और आपको पता है कि हार्मोन जो है ये अच्छे हार्मोन भी हो सकते हैं, बैड हार्मोन भी होते हैं। अब देखिए जैसे हमारे शरीर में सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन ये सारे हार्मोन जनरेट होते हैं, ये पॉजिटिव हार्मोन्स हैं। और अगर इनको पॉजिटिव सिग्नल ग्लैंड्स को नहीं मिला तो दे जनरेट द नेगेटिव हार्मोन्स, अपोजिट हार्मोन्स, खतरे वाले हार्मोन्स के जरिए सम डेंजर। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो खतरे वाले हार्मोन जनरेट करता है। नो आफ्टर दीज ग्लैंड्स दे जनरेट हार्मोन्स दी। अब इन हार्मोन का काम क्या है? नो दीज हार्मोन्स गो टू द सेल। नो एज इन द बिगिनिंग आई टोल्ड के आवर बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स। अगर हम हेयर की बात करेंगे तो यहाँ हेयर सेल्स हैं, अगर हम स्किन की बात करें यहाँ स्किन सेल्स हैं, अगर मसल्स की बात करें तो मसल स्किल्स हैं सेल्स हैं, अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स के अपने अपने सेल्स हैं, सिमिलरली बोन्स हैं बोन्स के अपने सेल्स हैं। दैट मीन्स होल बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स ओनली। सो आफ्टर द हार्मोन्स आर जनरेटेड दीज हार्मोन्स ट्रेवल टू दी सेल्स। अब सेल्स का एक अपना एनवायरनमेंट है, लेट अस टेक वन सेल नाउ। दिस सेल्स अगर हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, उसके अंदर फ्लूड है, लिम्फ फ्लूड है, मिटोकॉन्ड्रिया है, डीएनए है, जीन्स हैं और बहुत सारे केमिकल्स है उसके अंदर, ठीक है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द बेसिक फंक्शन ऑफ ए सेल इज टू जनरेट प्रोटीन्स, 1,40,000 प्रोटीन्स फॉर दी अपकीप, फॉर दी रिपेयर, फॉर दी मेंटेनेंस, फॉर दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द बॉडी। अब इसके इस पूरी सेल की एनवायरनमेंट के बाहर अब हार्मोन आके बैठ गए हैं विच हैज ब्रॉट सम इंफॉर्मेशन। सो जैसे वो सेल्स के रिसेप्टर बाहर आके बैठते हैं, दिस इंफॉर्मेशन गोज टू दी इनसाइड ऑफ द सेल। नो सेल नोज देर इज सम इम्पेंडिंग डेंजर, नो कहीं ना कहीं पूरे कहीं कोई खतरा है। एंड अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेल्स के अंदर अब ये इन्फॉर्मेशन आ गई खतरा है, देर इज सम डेंजर, नो द होल फंक्शन ऑफ द सेल्स इज डिस्टर्ब्ड। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी घर में सब लोग बैठे हुए हैं, कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, लेडीज किचन में खाना बना रही हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ अपना मतलब घूम मतलब अपने अंदर ही अपना मस्त एंजॉय कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। अगर कहीं ये पता चल जाए कि बाहर मतलब भूचाल आ रहा है तो सब सारे काम धंधे छोड़ के एवरी वन विल गो आउट, तो होल सिस्टम ऑफ द फैमिली इज डिस्टर्ब। सिमिलरली इन ए सेल ऑल्सो वेन सम इम्पेंडिंग डेंजर इज देयर, जब कोई डेंजर आता है तो क्या होता है, सेल्स का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। सेल्स का काम था टू क्रिएट 1,40,000 प्रोटीन्स। अब ये क्रिएट तो करेगा लेकिन बहुत ही खराब प्रोटीन है क्योंकि नो डेंजर इज देयर, तो इट हैज टू डू अदर फंक्शंस आल्सो। सो 1,40,000 प्रोटीन्स आपके डिस्टर्ब हो गए, दैट मीन्स नाउ इट इज प्रोड्यूसिंग डिजीज्ड प्रोटीन आर चीपर प्रोटीन्स, और जो 1,00,000 केमिकल रिएक्शन चलते हैं वो भी डिस्टर्ब हो गए सारे, हो गए ना। अब जैसे ये केमिकल रिएक्शन चेंज हुए, प्रोटीन चीपर प्रोटीन, अब बिकॉज नो द सेल
सेल जो है, सेल अल्टीमेटली बिकम्स टिश्यूज, टिश्यूज अल्टीमेटली बिकम ऑर्गन्स। तो जब सेल ही खराब हो गए, सेल ही खराब चीजें प्रोटीन बनाना शुरू कर दिए, तो इट इफेक्ट्स योर ऑर्गन्स ऑल्सो, आपके सिस्टम को इफेक्ट करेगा और यू विल हैव ए फीलिंग, आपको एक खराब फीलिंग जनरेट होगी, अच्छी फीलिंग जनरेट होगी। तो इसलिए कहते हैं ना, मूड खराब हो गया यार, मेरा ये हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, माय सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ऑल दिस फीलिंग्स कम्स फ्रॉम दैट ओनली। अब सपोज करिए, नाउ दिस फीलिंग हैज कम, दिस फीलिंग्स अगेन ट्रेवल टू द ब्रेन, ब्रेन फिर वही प्रोसेस क्रिएट करते हुए फिर न्यूरोपेप्टाइड जनरेट करेगा, भाई फीलिंग इज बैड, देन अगेन न्यूर हार्मोन्स इज जनरेटेड विच इज इन विच इज कमेंसुरेट विद द फीलिंग्स, अगेन इट गोज टू सेल, सेल फिर चीपर प्रोटीन। इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर, ये सब चीजें माइक्रो सेकेंड में हो रही, मिली सेकेंड में हो रही है, अगर ये चीजें परसिस्ट करती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दो चार महीने, छः महीने, साल, दो साल, चार साल, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल लीड टू मैनी मैनी डिजीजेस। आज जो आपको आप, क्योंकि आप इम्यून प्रोटीन खराब बनना शुरू हो गए, तो फिर कहते हैं लोगों को कैंसर हो गया, फिर कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, फिर कहते हैं लोगों को बीपी हो गया, लोगों को शुगर हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं, दिस इज बिकॉज समथिंग हैपनिंग समवेयर। अब मैं एक और थोड़ी सी चीज बताता हूँ, सपोज करिए कोई डेंजर डेंजर वाला थाट गया, अब जो हमारा गट है, हमारा जो गट है, जब जब इंटेस्टाइन्स है जहाँ पे, तो वहाँ पे ये मैक्सिमम ब्लड गोज देयर एक्चुअली। वो गट का काम क्या है, जनरेट्स मैनी हार्मोन्स, सबसे ज़्यादा हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, सबसे ज़्यादा जनरेट होते हैं आपके गट में। अब क्योंकि खतरा आ गया है, नाउ मिनिमम ब्लड विल गो देयर, कम से कम ब्लड गया आपके गट में। अब शरीर को, क्योंकि नो डेंजर इज देयर, तो व्हाट इट सिग्नल किया जाता है हमारे लिवर को, भैया क्रिएट सम शुगर, एक शुगर क्रिएट करिए, तो शुगर इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंड एट द सेम टाइम इट टेल्स पैंक्रियाज टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, सो दैट वो शुगर वहां वेस्ट ना हो, बिकॉज दिस शुगर हैज टू बी यूज फॉर द मसल्स, फॉर रनिंग अवे, मसल्स के लिए उस टाइम एनर्जी चाहिए होती है। ये कभी किसी टाइम पे, जिस टाइम पे आदमी बहुत पुराने टाइम पे, जिस टाइम पे जंगलों में रहता था, उस टाइम पे खतरा बहुत होता था, तो उस टाइम पे उसको इमीडिएटली एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, तो ही हैड टू रन अवे, फॉर दैट दिस एनर्जी वाज रिक्वायर्ड। बट अब प्रॉब्लम ये है कि खतरा तो उसको, बॉडी को खतरा दिख रहा है, शुगर भी जनरेट हो गया, उधर इंसुलिन कम हो गया, लेकिन ये एनर्जी कहीं यूटिलाइज नहीं हो रही है, और ये एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी, शुगर प्रोडक्शन करने में। आपका डायबिटीज आपको हो गया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपकी क्योंकि आप खराब हार्मोन जनरेट हो रहे हैं, तो सेल जो है इट इज प्रोड्यूसिंग चीपर प्रोटीन्स, चीपर प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपके ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, तो दैट मीन्स, और आपकी थॉट प्रोसेस अलग से खराब हो जाए, आपको मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम जो अलग से चले, इफ दीज प्रोसेस आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, तो आपको सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम तो दिखती दिखती है, साथ साथ में आपको साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स भी होती है। तो फ्रेंड्स, ये सीक्रेट है एक्चुअली, हम ट्रीट क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग डिजीजेस, हम डिजीज को ट्रीट करते हैं, लेकिन ट्रीट क्या करना चाहिए हमें, द इनकमिंग थॉट्स, वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक। तो अब हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी मेथड्स अपनी लाइफ में लाना पड़ेंगे, सो दैट ये जो थॉट्स को तो हम रोक नहीं सकते हैं, बट इनकी इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं। देयर आर सर्टन प्रोसेसेस, देयर आर सर्टन टेक्निक्स, जिसको हम मॉडर्न साइकोलॉजी की टेक्निक्स बोलते हैं, जहाँ हम एनएलपी टेक्निक्स बोलते हैं, जहाँ हम एनर्जी सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जहाँ क्वांटम हीलिंग की बात करते हैं, इन टेक्निक्स को यूज करते हुए वी कैन डिक्रीज आर रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ दिस इनकमिंग थॉट्स एंड रिड्यूस देयर इम्पैक्ट, एंड एट द सेम टाइम वी फॉलो सर्टन योगिक एंड मेडिटेशनल टेक्निक्स, सो दैट द कनेक्शन ऑफ द रियल सेल्फ इट गेट्स उजागर हो जाए, सो दैट बिकॉज अल्टीमेटली वाई प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग, बिकॉज वी आर रिलेटेड टू, वी थिंक दैट वी आर द बॉडी,
वी थिंक दैट वी आर द माइंड, एक्चुअली वी आर समथिंग, वी आर स्लाइटली डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, वी आर अ बीइंग, वी आर अ सोल और वी आर अ कॉन्शियसनेस विच बेसिकली सीज बोथ बॉडी एंड माइंड, बट वी हैव गॉट अटैच टू बॉडी एज वेल एज माइंड ऑल्सो. तो वी आर डिफरेंट. तो वेन वी डू मेडिटेशन, वी डू सम योगिक ब्रीदिंग, तो वी अल्टीमेटली नो अवर सेल्फ. और तब हम जो कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड है, तो वी सी द बॉडी एंड माइंड फ्रॉम अ डिस्टेंस, एंड दैट इटसेल्फ रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ थॉट प्रोसेस एंड द फीलिंग्स फ्रॉम द बॉडी एक्चुअली. तो फ्रेंड्स, दिस वॉज अ सीक्रेट. सीक्रेट इज अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करिए. थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे तो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन विल चेंज. बायोकेमिकल रिएक्शन चेंज होंगे तो आपकी सेल लेवल पे जो है राइट प्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन विल हैपन, एंड दैट विल गिव यू अ हेल्थ, एंड दैट विल गिव यू मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑल्सो. और देखिए, आपकी सारी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं, आपकी डिजीज हैं, दे विल गेट रिजॉल्व्ड. तो फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखिए, डिजीज को हील तो करना है, साथ साथ में डिजीज का जो बेसिक रूट है उसको आपको टैकल करना है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और इसको पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको फायदा होगा, एंड इस चीज को लाइफ में उतारिए. इसके फर्दर वीडियो में हम बताएंगे कैसे हम अपने आप को, कैसे हम अपनी बॉडी के डिजीज को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से ठीक कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. शेयर करें, लाइक करें, एंड कमेंट करें, एंड स्प्रेड दिस मैसेज एवरीवेयर. थैंक यू सो मच.